सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है ग्लेजिंग से पोकेमोन ग्लेज एपिसोड के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी हम लोग हैं फिलहाल खड़े डेफिनेटली नॉर्थ कोस्ट सिटी के जिम लीडर के जिम के सामने और जरूर चैलेंज करने वाले हैं इस जिम लीडर को, जिसका नाम है एरन। तो देखते हैं कैसे होने वाली है जिम बैटल। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी देखने वाले हैं जो प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर रह गए थे। तो कौन कौन से स्टफ रहे थे उसके लिए आपको प्रीवियस एपिसोड को भी चेकआउट करना पड़ेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जरूर चेकआउट करना। पसंद आता है तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं जाने वाला बैक साइड पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पोकेबॉल्स रह गए थे और ये बंदे मेरे से फिर से एक बार रीमैच करना चाहते हैं। तो रीमैच वाला सिस्टम मैंने ऑलरेडी सीरीज के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे वर्क करता है, तो ज़रूर पूरी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग लेसियन और बाकी सारे बंदों को इजीली डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेट है वो इतना ज़्यादा लेवल का हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं है कि नॉर्थ कोस्ट सिटी के जिम लीडर को हराने के लिए हम लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वैसे अभी मैं फिलहाल आगे जा रहा हूँ। आगे जाने के बाद हम लोग को एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इन लोगों को आगे लेके आना है, क्योंकि पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं था लास्ट एपिसोड के अंदर। तो उसके वजह से हम लोग ने पर्टिकुलर एलिमेंट्स हम लोग नहीं ले पाए जो पीछे के साइड पे थे इन लोग के। और अभी देखा जाए तो थोड़ी सी टफ बैटल होती जा रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोग के लेवल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। पता नहीं है इन लोग के लेवल इंक्रीज होते कि नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मेमोस्वाइन एक एम्बर अटैक से जरूर चला गया, पाइलोस्वाइन भी एक एम्बर अटैक से जरूर चला गया। तो पहले केस में कुछ तो प्रोबेबिलिटी रेट कम हुआ रहेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हम लोग को हाइपो पोशन कैप्चर करने मतलब ज़रूर मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग का अनदर एक एरिया है जहाँ पे पोकेबॉल बाकी था कैप्चर करने का मतलब लेने का, तो वहाँ पे हम लोग फिलहाल जाते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है, तो हम लोग उसके पीछे से नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम लोग को उसको बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे लाना पड़ेगा। कॉर्नर पे लाने के बाद उसके से एक बार एक रीमैच करनी पड़ेगी। अच्छी खासी बात है, रीमैच करो, लेवल इंक्रीमेंट हो जाते हैं। रेयर कैंडी से भी बेस्ट वे है ये आपको, और लीगल वे है। रेयर कैंडी से कभी कभी आप कुछ कोर्स डाल देते हो, अगर गलत कोर्स डाल दोगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे चैनल पर आपको सही वाले कोर्स मिलेंगे रेयर कैंडी मास्टर बॉल के, जो मैं हमेशा सीरीज़ एंड होने के बाद ही आपको बताता हूँ। अभी हम लोग सीधा जाएंगे पोकेमोन सेंटर के अंदर। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग को बहुत सारे पोकेमोन मिले थे इस सिटी के अंदर, तो बहुत ही अच्छी सिटी अभी तक की जितनी भी जर्नी हम लोग ने अभी तक ट्रैवल की हुई है। सीधा हम लोग जाएंगे जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे गेम को। पता नहीं भाई क्या भला हो सकती है जिम लीडर, और मुझे लगता है कि आइस टाइप है तो उसके वजह से यहाँ पे हम लोग को पज़ल देखने ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि हर एक आइस टाइप जिम लीडर के पास हम लोग को पज़ल देखने मिलता है और ये बरसों ने बरसों चलते आता रह रहा है। यहाँ पे हम लोग ये जो एक्सपीरियंस शेयर है वो हटा के हम लोग अभी फ़िलहाल देने वाले हैं मी मेटल को, क्योंकि बेचारा बहुत ही कम लेवल पर फ़िलहाल जी रहा है। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट बैटल जिसके पास है ग्लेसियन, एम्बर अटैक यूज़ करेंगे और ग्लेसियन को इजीली डिफीट कर देंगे। अगर प्यादे ही इतनी ज़्यादा जल्दी हार रहे हैं तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती हम लोगों को मेन जिम लीडर के खिलाफ। यहाँ पे हम लोगों को अनदर बैटल है जिसके पास है फिलहाल स्नो रन। प्रोटेक्ट अटैक से बहुत बार इन्होंने प्रॉब्लम पे मतलब क्रिएट की है, लेकिन हम लोग इजीली उसको काउंटर भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्ट काइंड ऑफ अगर आप प्रोटेक्ट लेके जाते हो उसके साथ साथ आपको इसे पर्टिकुलर मूव सेट लेके जाते हो, मुझे लगता है आप बलिट फोर को भी हरा सकते हो। और ये ऑलरेडी एक बंदे ने प्रूव करके दिखाया है, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी हमारे पोकेमोन फायर रेड नज़लॉक चैलेंज के चैप्टर्स के अंदर। तो ज़रूर उस सीरीज को भी एक बार चांस देना और उनको भी चेकआउट करना। अभी हम लोग को इस पज़ल को सॉर्ट आउट करना है। वैसे आइसिकल पज़ल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू सी वेव्स, और अगर आप मेरे चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग ही गया रहेगा। तो मुझे क्या सबसे ज़्यादा परेशानी किससे होती है यार, सी रोड्स से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सी रोड्स, और देखा जाए तो सी रोड्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है वो है पोकेमोन रूबी के। अंडर वाटर सेक्शन ज़रूर है 126 रूट के तरफ, लेकिन वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है यार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। और देखा जाए तो मतलब लेवल डिज़ाइन उसके हिसाब से सही है, जिसको भी सी रूट अच्छे लगते हैं उनके हिसाब से तो भाई लेवल डिज़ाइन बहुत ही सही है, लेकिन जिनको नहीं पसंद भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, अभी क्या कर सकते उसके अंदर। वैसे हमारे पास अभी बहुत सारे पोकेमॉन्स हो चुके हैं, ये पज़ल जब तक मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन अभी उसमें से जो 6 पोकेमॉन्स हैं ऑलरेडी सजेस्टेड है, तो उसके हिसाब से मैं फिलहाल सजेशन वाले पोकेमॉन्स यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसमें से एक पोकेमॉन है जो डबल सजेस्टेड है, और एक पोकेमॉन जो है वो है ड्रैगन। ड्रैगन मैंने खुद कैप्चर किया था, तो अगर आप चाहते हो कि ड्रैगन को मैं मतलब छोड़ दूँ उसकी जगह पे कोई और एक पोकेमॉन कैप्चर करूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ड्रैगन मैंने इसके लिए कैप्चर किया था, मुझे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले के अगर आप पहले के एपिसोड्स भी देखोगे, पहले के सीरीज़ भी देखोगे, तो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हमारे आर्मरी में ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे इस पज़ल को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को कैसे भी करके उन बटन्स पर पहुँचना पड़ेगा, पर्टिकुलर बटन यहाँ पे दबाने पड़ेंगे। और यहाँ पे किधर तो क्लोज बाय बटन हो सकता है जिसको हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। एक मिडल में बटन है, एक उस ट्रेनर के साइड में बटन है, और
एक बटन हम लोग को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चार छज्जे हैं, चार छज्जों के हिसाब से हम लोग को शायद से चार छज्जे हम लोग को हेल्प कर सकते हैं बीच में रुकने की, और रुकने के बाद हम लोग शायद से पहुँच सकते हैं हमारे जिम लीडर के पास। तो पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें चक्रव्यूह में घूमती ही रहेगी, तो मैं अभी सीधा डाइव इन करूँगा पजल के सॉल्यूशन की तरफ, तो देखते रहिएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर नहीं जाने वाला, लेकिन म्यूजिक का आनंद जरूर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अनदर जिम लीडर के प्यादों को चैलेंज करने के लिए। बहुत ही इजी पजल था, लेकिन मेरे काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना कंसंट्रेशन ना होने के कारण थोड़ा सा पजल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। स्विनी भाई इसके पास, और स्विनी के पास बाद में इसको तो भाई डिफीट कर ही लिया हम लोग ने। उसके बाद ये बटन दबाना है, बटन दबाने के बाद ये छज्जा खुल जाएगा, और ये छज्जा खुलने के बाद हम लोग शायद से उस वाले ट्रेनर के साथ भी बैटल कर सकते हैं। लेकिन 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 वहाँ पर राइवल खड़ा है, अगर मैंने सही से देखा है तो वहाँ पर राइवल खड़ा है। यहाँ पर आपको डेलीबर्ड देखने मिल जाएगा, डेलीबर्ड भी अच्छा खासा पोकेमोन है अगर आप उसको अच्छा मूव सेट देते। तो लैप्रस देख लिया भाई मैंने, ये मैंने मतलब लैप्रस ढूंढ रहा था लोकली, लेकिन लैप्रस आपको वाटर में ही मिलेगा और अभी तक सर्फ अटैक तो मिला नहीं है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में सर्फ मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि फिलहाल हम लोग कट सीख ले हैं, उसके बाद रॉक स्मैश सीख गए हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ सीख गए हैं, और यहाँ पर राइवल आ चुका है, और राइवल ने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है इस जिम लीडर को जो है नॉर्थ कोस्ट सिटी के जिम लीडर एरिन। और अभी मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी पावर ज़रूर दिखाएगा डेफिनेटली भाई, जब भी मिलता है तब तक बैटल तो करता ही रहता है। इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा इस बार क्योंकि हमारे लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है और उस ट्रिक के वजह से ही हुई है। अभी मैं फिलहाल और ज़्यादा वो ट्रिक को यूज़ करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि पोकेमॉन्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाऊँ, क्योंकि खाली अभी इंफॉर्म बड़ा है, बाकी के पोकेमॉन्स को हम लोग को इंक्रीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल के लिए। तो एम्बर से हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी वॉर को हला दिया है, अभी आ चुका है कुलाबा, तो कुलाबा को हराने के लिए हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे हमारे स्वॉम्पथिंग पे, वाटर पल्स यूज़ करेंगे। इसके साथ वाटर पल्स के साथ ही ये बंदा चला जा चुका है और एक आ रहा है जो है मैनेट्रिक। तो मैनेट्रिक के लिए मैं फिलहाल हमारे स्वॉम्पट के ऊपर ही रुकने वाला हूँ क्योंकि मर्ड स्लैब और अर्थक्वेक की मदद से हम लोग ईजिली हरा सकते हैं मैनेट्रिक को, जैसे मैंने बोला। यहाँ पे हम लोग ने राइवल को फाइनली डिफीट कर दिया है, तो हम लोग अभी जाएंगे पोकेमॉन सेंटर के अंदर और फिर आना पड़ेगा क्योंकि मुझे हीलिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता तो नहीं हीलिंग की ज़रूरत है मुझे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलते। HM03 Soft हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, तो आपको अगर पता लगाना है हाउ टू गेट HM03 Soft इन पोकेमॉन के लिए, सो ये सही एपिसोड है आपको देखने के लिए। तो ये बंदा वहाँ से चला गया, मुझे लगता है वो बटन दबा के वहाँ पे कोई छज्जा रहेगा जो खुल जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे एक छज्जा है जो खुल गया है और यहाँ से हम लोग जा सकते हैं नीचे के साइड पे। तो मैं पोकेमॉन सेंटर से आता हूँ रिवाइव करके हमारे पोकेमॉन्स को जो अभी तक फ्रेंड भी नहीं हुए हैं, लेकिन चांस नहीं लेते, और मैं आपको सीधा मिलूंगा अभी इधर जिम लीडर के पास, जिम लीडर के सामने, और उसको चैलेंज करते गाइस। तो हम लोग आ चुके जिम लीडर के सामने, और मैंने एपिसोड मतलब ट्रांजिशन से पहले पहले मैंने सर्फ अटैक सिखा दिया था स्वॉम्पथिंग को, और अभी हम लोग चैलेंज करेंगे थे एरिन को। अच्छा खासा अटैक मिला है ना स्वॉम्पथिंग को, सर्फ अटैक वाटर पास की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं फिलहाल, सर्फ की है, मडी वाटर भी है उसके पास, अर्थक्वेक है उसके पास, मर्ड स्लैब को निकाल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ अच्छा खासा तो रुक्का इक्का है वो। यहाँ पे स्नोरंट आ गया है लेवल 34 का, एम्बर अटैक यूज करेंगे और इसके साथ स्नोरंट डाउन हो चुका है। अनदर पोकेमॉन यहाँ पे आते हुए जिसका नाम है द फ्रॉस्टलैस,
फ्रॉस्टलैश को भी हम लोग एम्बर से हरा देंगे। आपको फ्रॉस्टलैश बाहर भी मिल सकता है लोकली, और ग्लेशियन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ग्लेशियन लेना है तो उसको ले आपको लास्ट एपिसोड चेकआउट करना पड़ेगा, मैंने पर्टिकुलर लोकेशन बता दिया है कहाँ पे आपको ग्लेशियन मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग अनदर एम्बर अटैक यूज़ करेंगे और ग्लेशियन भी यहाँ पे चला जा चुका है। अनदर पोकेमॉन यहाँ पे आते हुए जिसका नाम है वीवाइल, और वीवाइल को हराने के लिए भाई काफ़ी था हमारा एम्बर अटैक, लेकिन यहाँ पे वो बर्न से हर्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीटिंग यहाँ पे हाइपो पोशन देते हुए, और वीवाइल को भी हम लोग ने हाइपो पोशन के बाद भी हम लोग ने उसको हरा दिया है। तो फाइनली हम लोग ने जिम लीडर एरेन को हरा दिया है जो है नॉर्थ कोस्ट सिटी की जिम लीडर, और आइसिकल बैच हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो मुझे लगता है जैसे इस जिम लीडर को हरा दिया है तो आइसिकल बैच तो मिलने ही वाला है, उसके साथ साथ हम लोग जैसे SM03 सर्फ यस बाहर यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग को एक और चीज़ मिल चुकी है जिसका नाम है TM13 जो है आइस बीम। यस आइस बीम मुझे इतना ज़्यादा याद हो चुका है क्योंकि बहुत बार मैंने आइस बीम यूज़ किया है, लाइट प्लेटिनम के अंदर भी हम लोगों ने आइस बीम ही यूज़ किया था सबसे ज़्यादा, उसके वजह से अब ये TM सीधा दिमाग में घुस चुका है। हम लोगों ने फाइनली हरा दिया है अनदर जिम लीडर को जो है नॉर्थ कोस्ट सिटी की जिम लीडर, और हमारा शायद से ये ओशन व्यू के बाद सी स्प्रे टाउन तीसरे राउंड के बाद हम लोग ने हराया स्टॉमी सिटी, और उसके बाद ये मतलब ये हमारा फोर्थ जिम बैच है जिसको हम लोग ने अभी फिलहाल काउंटर करके जीत लिया है। हम लोग पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाएंगे, हील करेंगे हमारे पोकेमॉन्स को, और मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। सजेस्ट करना चाहते हो कौन सा गेम प्ले आप देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर, तो मतलब मेरे नहीं आपके चैनल के ऊपर, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वो सजेस्टेड गेम प्ले आपके लिए लेके आऊँगा। उसके साथ साथ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, फिलहाल बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, हर दिन वीडियोस लाते रह रहा हूँ, तो फिर गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन ग्लेजिंग के ग्लेज एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।